नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाई बहन का पवित्र त्यौहार भले ही 11 अगस्त गुरुवार को देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन इसके पहले इंदौर में राखी के त्यौहार की रौनक देखने को मिली। यहां हर बुधवार को आयोजित होने वाली बुजुर्ग पंचायत में महिलाएं राखी और मिठाई लेकर पहुंची, जहां उन्होंने एडिशनल डीसीपी और डॉक्टर प्रशांत चौबे को राखी बांधी और उनकी दीर्घायु की कामना की। बुजुर्ग बहनों के स्नेह से जहां एडिशनल डीसीपी खुश नजर आए, वहीं बहनों का कहना है कि संकट के समय पुलिस ने वो काम किया जो उनके अपनों ने भी नहीं किया। ये तस्वीर है इंदौर पुलिस पंचायत की, जहां वैसे तो हर बुधवार को सीनियर सिटीजन अपनी परेशानी को लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ बदला है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज बुजुर्ग महिलाएं आज न्याय मांगने नहीं बल्कि उन्हें जीवन भर के लिए अपना भाई बनाने आई हैं। पुलिस पंचायत पहुंची बुजुर्ग महिलाएं अपने साथ राखी, नारियल, मिठाई लेकर आईं, जहां उन्होंने एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे की कलाई पर राखी बांधी और जिस तरह उन्होंने संकट के समय उनकी मदद की, अब वहां ताउम्र उनकी रक्षा करे इसका वचन लिया। पुलिस पंचायत में पुलिस को रक्षा सूत्र बांधने वाली बहन हंसु चौरसिया और आशा शर्मा का कहना है कि जब संकट के समय उनके अपनों ने साथ छोड़ दिया था, ऐसे में समय में पुलिस ने न सिर्फ उन्हें न्याय दिलाया बल्कि इलाज भी कराया, जिससे आज वहां चल फिर सकती हैं, जिसके चलते उन्होंने एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे और बुजुर्ग पंचायत की टीम को राखी बांधी और उनकी दीर्घायु की कामना की। वहीं बहनों के आगाध प्रेम और स्नेह से अभिभूत एडिशनल डॉक्टर प्रशांत चौबे ने कहा कि बुजुर्ग पंचायत सदैव सीनियर सिटीजन की मदद के लिए तैयार हैं। जो स्नेह उन्हें आज मिला है, इससे उन्हें एक नई प्रेरणा मिली है। आपको बता दें कि इंदौर में एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे के द्वारा प्रति बुधवार को बुजुर्ग पंचायत का आयोजन किया जाता है, जहां अपनों से या फिर किसी दूसरी वजह से परेशान बुजुर्ग की फरियादी सुनकर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। अब तक कई ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें पुलिस पंचायत ने उनका हक दिलवाया है। ये बहुत ही खुशी का विषय है। आज देखिए, मेरा हाथ जो है रक्षाबंधन से भरा हुआ है और ये रक्षाबंधन का उत्सव मनाने यहाँ पे हम लोग पुलिस पंचायत, सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के माध्यम से बुजुर्गों को राहत देने का प्रयास करते हैं। उन्हीं में से जिन महिलाओं को, जिन हमारे टीम के द्वारा एक्सेसिव राहत पहुँचाई गई, जिनका कुछ काम किया गया, तो उनके द्वारा आज रक्षाबंधन बांध कर हमें, हमारी टीम को रक्षाबंधन बांध के उन्होंने प्रोत्साहित किया है। हम लोगों ने उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करी है और उनको आश्वासन किया है कि एक रक्षक के रूप में हम लोग, एक पुलिस वैसे भी रक्षक के रूप में काम करती है और हम लोग इन बुजुर्गों के हर जो भी जीवन के क्षेत्र में जो भी चुनौतियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, हर क्षेत्र में हम लोग, मेरी हमारी पूरी टीम जो है इनके साथ खड़ी रहेगी। और इस बात से हम लोगों को बड़ी खुशी भी हुई कि इन्होंने आज आके हम लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया और इन लोगों के द्वारा ही बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा गया कि हमारी टीम लगातार उनकी सेवा में और रक्षा में लगी हुई है, इस कारण से इन्होंने रक्षाबंधन बांधा। रक्षाबंधन भाई बहन की खुशी का और रक्षा के आश्वासन का त्यौहार है, तो ये त्यौहार इस रूप में मनाया गया, बड़ा अच्छा लगा। सर, जो महिलाएं थी उनकी काफ़ी मदद भी पुलिस के द्वारा, आपके द्वारा की गई है। किसका ऑपरेशन करवाया गया, किसी के घर में विवाद था उसको सुलझाया गया, उसी को देखते हुए आपका, आपको राखी बांधकर आज भाई बनाया गया, किस तरह की अनुभूति आपको हो रही है? निश्चित तौर पर ये बहुत ही प्रेरणादायक अनुभूति है और बहुत ही सुखद अनुभूति है। आज इससे अच्छा त्यौहार नहीं हो सकता जैसा कि आज हम लोगों ने मनाया है कि बुजुर्ग महिलाएँ स्वयं अपने यहाँ पर आई और उन्होंने हम लोगों को इस प्रकार से रिकॉग्नाइज़ किया और ये हमें प्रेरणा देता है कि हम और किस संकल्प से होकर और मेहनत करें और प्रयास करें हम अच्छा कर सकने की और सीनियर सिटीजन की रक्षा के लिए हम लोग और आगे बढ़ के काम कर सकें। जी, मैं हंसा चौरसिया, हमारी माता चौराहा, ब्रह्मबाग कॉलोनी, मकान नंबर 218। दो साल से सर और संजय भैया, सुनीता शर्मा, सत्यकाम संस्था से पुलिस सीनियर सिटीजन के माध्यम से जुड़ी हूँ। इन लोगों ने सबसे पहले मेरी आँख का ऑपरेशन करवाया, फिर मेरा MRI में बड़ा ऑपरेशन करवाया, हड्डी चेंज करवाई और चलने के काबिल बनाया, नहीं तो मैं घिस के बैठती थी। जो सहयोग मुझे अपने परिवार से नहीं मिला, वो सहयोग मुझे पुलिस सीनियर सिटीजन डॉक्टर प्रशांत चौबे, एडिशनल संजय तिवारी, इसे रक्षा सूत्र बांध, इन्होंने मेरी रक्षा करी। दो साल से ज़्यादा इन लोगों के माध्यम से ही मैं जुड़ी हूँ और बहुत ही अच्छा, इन लोगों के मतलब बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हंसा चौरसिया, बस ये दोनों, संजय सर, प्रशांत जी सर, इनके जरिए मेरे पारिवारिक समस्या थोड़ी आ गई थी, तो इन लोगों की मदद के द्वारा मेरी सारी समस्याएं दूर हुई और हर तरह से इनने मेरा सहयोग करा और आगे भी इन लोगों की दीर्घायु के लिए मैं कामना करती हूँ। सर को राखी बांधी मैंने इसीलिए कि आज से हमारा रिश्ता, ये भाई बहन का रिश्ता हो गया। भगवान इन,
बस ऐसे ही पारिवारिक समस्या है गृहस्थी में, अब क्या बोलूँ मैं अब आपको, बहुत सारी परेशानियाँ इसी प्रकार की आ गई थी, तो वो समस्या आशा शर्मा दिल। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।